हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना है वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 118 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी। इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़े स्तर पे इकोनॉमिक को संतुलन करने के लिए पॉलिसी, कौन सा इनमें से नहीं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। यानी गवर्नमेंट कोई खर्चा करती है गरीबी हटाने के लिए तो इकोनॉमिक को स्टेबल करने की पॉलिसी में नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इक्वेटोरियल इंसुलेशन इज फेयरली यूनिफॉर्म पर डे थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटोरियल इंसुलेशन होता है यानी कि जो हमारा मध्य भाग है अर्थ का, तो वहाँ पे जो गर्मी होती है वो पूरे साल भर वैसी रहती है। सेकेंड है, एट द पोल्स द इंसुलेशन इज जीरो इन द विंटर सीजन। यानी दोनों ध्रुवों की तरफ, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की तरफ जो इंसुलेशन होता है वो ठंडे में ज़ीरो होता है यानी गर्मी नहीं होती है। थर्ड है, एट द पोल द इंसुलेशन पर डे इज मोर देन इक्वेटोरियल इंसुलेशन इन मिड समर। कहने का मतलब जो गर्मी होती है, ताप होता है धूप का, वो पोल्स पे इक्वेटर के मुकाबले मिड समर में यानी कि मध्य जो गर्मी का मौसम होता है उससे ज़्यादा होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसको इस तरह से समझना है कि जब कहीं धूप ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, और जब इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो बादल भी ज़्यादा बनेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्बिडो। अल्बिडो का मतलब होता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो कितना वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसको बोलते हैं अल्बिडो। यानी कोई हल्के रंग की चीज़ से वो रिफ्लेक्ट होता है तो उसको अल्बिडो बोलते हैं। तो जब बादल लगा रहेगा तो उससे ज़्यादातर जो सूर्य की किरण है वो धरती पे नहीं आती, और जब वो धरती पे नहीं आएंगी तो गर्मी भी कम होगी। तो इस तरह से थर्ड वाला स्टेटमेंट मतलब एक्सप्लेन्ड है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग इन अ रिलेशन टू अ ट्रॉपिकल पिरामिड। जो ट्रॉपिकल पिरामिड होता है उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है। पहला, एनर्जी इज लॉस्ट बाई कन्वर्जन ऑफ प्लांट सब्सटेंसेज इंटू एनिमल सब्सटेंसेज। यानी एनर्जी कम होती है अगर कोई प्लांट सब्सटेंस एनिमल सब्सटेंस में बदलता है। सेकेंड है, एनर्जी इज लॉस्ट बाई रेस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन ईच ट्रॉपिकल लेवल। यानी जो एनर्जी होती है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे, जो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पिरामिड एक ट्रायंगल होता है जिसमें तीन लेयर बने होते हैं, ऐसा होता है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो उस तरह से ही होता है। तो कह रहे हैं कि हर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म सांस लेता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होती है। थर्ड, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होती है उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही सही हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लेड गांधी जी टू स्टेब्लिश द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग एंड हरिजन सेवक संघ इन 1932। कौन सी ऐसी इवेंट हुई थी, कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से गांधी को एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनानी पड़ी और एक हरिजन सेवक संघ 1932 में बनाना पड़ गया। तो आपको रीज़न बताना कि इवेंट कौन सी थी। तो इसका सही आंसर है सी, कम्युनल अवार्ड बाय द ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड। जो 1931 में रामसे मैकडोनल्ड हुआ था उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया था, यानी कि कम्युनिटी के बेसिस पे राइट्स, तो
उस पे गांधी जी को लगा कि हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब उसको देखना चाहिए ताकि इस तरह की बातें भविष्य में ना हो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन मई 2020 एट विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वॉज अ ब्लैक पैंथर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी मई 2020 में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक काले रंग का पैंथर पाया गया था पहली बार। तो इसका सही आंसर है बी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग अ फंगस एल्गा कॉम्प्लेक्स विच लिव टुगेदर सिम्बायोटिकली। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक समूह होता है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें फंगस और एल्गा दोनों एक साथ रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, लाइकेंस। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर विद द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, यानी जब मानसून का समय आता है तो टेम्परेचर अपने आप गिर जाता है। सेकेंड है, द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल इन इंडिया ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो जो डायरनल रेंज मतलब यानी सुबह शाम का जो टेम्परेचर होता है वो छोटा होता है इंडिया में मानसून के समय में। थर्ड, द टेम्परेचर राइजेज विद द सेसेशन ऑफ मानसून रेन्स इन सितंबर अक्टूबर, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है जब मानसून चला जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीने तक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही सही हैं। जून टेम्परेचर जो होता है साउथ में वो 3 डिग्री से 6 डिग्री तक होता है, जबकि लोअर देन मई टेम्परेचर, और ये मई से लोअर होता है यानी कम होता है। डायरनल रेंज स्मॉल होता है ड्यू टू क्लाउड्स एंड रेन्स ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो मानसून के समय में जो टेम्परेचर होता है दिन और रात का वो कम इसलिए होता है क्योंकि क्लाउड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था सेकंड वाले में मेरे ख्याल से, कि जो टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है इंसुलेशन वो कम होता है कंपेयर टू पोल्स, यानी ध्रुव के मुकाबले इक्वेटर पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि बादल से वो ढक जाते हैं। तो उसी तरह मानसून में भी होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग विल इसरो टैप स्टार्टअप फॉर इट्स मेडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान 1। तो जैसे इसरो ने, आपको पता होगा कि गगनयान एक मिशन वो कर रहा है, तो कौन सा ऐसा स्टार्टअप उसने ऐसा मतलब इनिशिएट किया है जिसकी मदद से मेडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान 1 बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फूड एंड मशीन्स फॉर एस्ट्रोनॉट्स, बेटर टूल्स टू एक्सेस मशीन इन द स्पेसक्राफ्ट एंड ग्रीन इंजन्स। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर वेस्ट बंगाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द मैक्सिमम कवर ऑफ मैंग्रोव्स वेजिटेशन इन इंडिया, यानी पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ मैंग्रोव्स का जो वेजिटेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसका सही आंसर है ए, गुजरात। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी ICOR इज, ये क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, लोअर व्हेन कैपिटल एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ये कम होता है जब कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ता है। तो ICOR इज द एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एडिशनल कैपिटल जब हमें
एडिशनल कैपिटल हम लगाते हैं किसी भी आउटपुट को वन यूनिट बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोअर ICOR, सॉरी लोअर नहीं ICOR, यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। द लेसर द ICOR मोर एफिशिएंट द ऑर्गेनाइजेशन, जितना ICOR कम होगा उतने ज़्यादा एफिशिएंसी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। द रेशियो इज़ यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू इन कंट्रीज एज एन इकोनॉमिक यूनिट। तो जो रेशियो यूज़ होता है मेज़र करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को एफिशिएंसी के लिए, तो वो एक इकोनॉमिक यूनिट पे मेज़र होता है, और इकोनॉमिक यूनिट पड़ता है हमारे ICOR पे। जैसे बोला इंक्रीमेंटल कैपिटल है, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट भी उस पर यूनिट पे मेज़र करेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएसटीएस पेपर 117 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। फ्रेश वाटर लेक आर मोस्ट ऑफन लिमिटेड बाई, तो ये क्वेश्चन था कि फ्रेश वाटर लेक मतलब किस चीज़ से लिमिटेड है, मतलब क्या क्यों लिमिटेड है आपको बताना था, तो इसका सही आंसर है बी फॉस्फोरस। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आपको यानी आज आपको आज का जीएसटीएस पेपर 118 का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको दे देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है स्किन डिजीज आई इन्फेक्शन एंड डायरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिसीज। तो ये तीन तरह अलग अलग बीमारी है, तो आपको बताने किस तरह की बीमारी है। तो आपके ऑप्शन से ए वाटर बॉर्न डिजीज, बी वाटर वॉश डिजीज, सी वाटर रिलेटेड डिजीज, या डी एंटी वाटर डिजीज। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।